दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयुष्मान कार्ड क्या है, कौन कौन से लोग इसको बनवा सकते हैं और इसको बनवाने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आयुष्मान कार्ड क्या है। दोस्तों आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक हेल्थ कार्ड है जिसको आप इंश्योरेंस तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो आप आयुष्मान कार्ड के अंदर रजिस्टर किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में पूरी इंडिया में 5 लाख तक का बिल्कुल ही मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं 1 साल के अंदर। और दोस्तों अगर आप 5 लाख का इलाज करवा लेते हैं 1 साल के अंदर तो अगले साल आपको दोबारा से 5 लाख की लिमिट मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गया आयुष्मान कार्ड का फायदा जिससे कि आप मुफ्त में अपना 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए दोस्तों अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या फिर आपके पास बीपीएल कार्ड है या फिर आपका कच्चा मकान है, दिहाड़ी मजदूर है, आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। आप इस कार्ड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की इस स्कीम का जो फायदा है आप उठा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं और आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहां से आके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको अपने आसपास किसी भी सीएससी सेंटर या फिर ग्राहक सेवा केंद्र पे चले जाना है, वहां जाके आपको कहना है कि मेरे को अपना आयुष्मान कार्ड बनाना है तो वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड और आपके पास अगर राशन कार्ड है तो आपका राशन कार्ड। आप ये तीनों चीज़ दे के अगर आप एलिजिबल हैं आयुष्मान कार्ड के लिए तो ये तीनों चीज़ दे के आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद ही आपका आयुष्मान कार्ड आ जाएगा जिसका यूज आप अपना इलाज करवाने के लिए, अपनी फैमिली का इलाज करवाने के लिए करवा सकते हैं और 5 लाख तक का आपका बिल्कुल ही मुफ्त में आप कहीं भी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है तो वो आपके पूरे फैमिली का कार्ड होता है, मतलब कि अगर आप अपने फैमिली में किसी का भी इलाज करवाते हैं तो उस 5 लाख के अंदर ही आपको पूरे फैमिली का इलाज करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर है सबको 5-5 लाख की लिमिट मिलेगी, तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। जाइए अगर आप एलिजिबल हैं तो अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए और गवर्नमेंट की इस अच्छी स्कीम का फायदा उठाइए, क्योंकि दोस्तों ये स्कीम मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको भी ये स्कीम अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे भी मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूंगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।